आप ये खूबसूरत नज़ारा देख रहे हैं वो है रुद्रेश्वर महादेव घाट। कोडिनार अमरेली हाईवे पे कोडिनार से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पे सिंगोड़ा नदी के तट पर स्थित है रुद्रेश्वर महादेव का ये मंदिर, जहाँ पर हाल ही में भारत के सबसे ऊंचे त्रिशूल को स्थापित किया गया है, जिसकी ऊंचाई तकरीबन 35 मीटर यानी कि 153 फीट है, जिसमें 132 फीट के खंभे पर 21 फीट के त्रिशूल को बनाया हुआ है, जबकि खंभे का कुल वजन है 2200 किलोग्राम, जिसमें त्रिशूल का वजन है 450 किलोग्राम, जिसे स्टील और लोहे से बनाया गया है और जिसका आयुष्य तकरीबन 100 साल बताया जाता है, जबकि 81 फीट ऊंचा त्रिशूल नेपाल में स्थित है। ऊना गुजरात से इसकी दूरी है 40 किलोमीटर और अगर आप आना चाहते हैं सोमनाथ मंदिर से तो उसके लिए आपको दूरी तय करनी पड़ेगी 45 किलोमीटर की। यह मंदिर प्राचीन और ऐतिहासिक महत्व रखता है और यह कई वर्षों से भक्तों के आस्था का केंद्र रहा है। इंद्र भारती आश्रम के महंत श्री इंद्र भारती बापू के कथन के अनुसार, जिसे अब सिंगोड़ा नदी कहा जाता है, उसका पौराणिक नाम है यकुमती, जिसका उल्लेख स्कंद पुराण में भी मौजूद है। इस नदी के तट पर पांडवों ने रुद्रेश्वर महादेव की स्थापना की थी। मंदिर के आसपास का क्षेत्र प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है, जो पर्यटकों और भक्तों के लिए आकर्षक का केंद्र है। आसपास की हरियाली और शांत वातावरण मंदिर की दिव्यता को और भी बढ़ा देता है। रुद्रेश्वर महादेव मंदिर से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है जामवाला वाटरफॉल, जिसे जमजीर धोध के नाम से भी जाना जाता है। आप आते हैं यहाँ पर मानसून के टाइम पर तो आप कुछ इस तरह का नजारा यहाँ पर देख पाएंगे। प्राकृतिक खूबसूरती के बीच ये वाटरफॉल जितना खूबसूरत है, काफी सारे अकस्मात होने के कारणवश ये उतना ही खतरनाक भी है। मॉनसून के टाइम पर यहाँ पर पांव फिसलने के चांसेस और भी बढ़ जाते हैं, इसीलिए मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप जब भी यहाँ पर आए तो अपनी केयर अवश्य करें। आप जमजीर वाटरफॉल के बारे में और भी जानना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने फुल वीडियो बनाया हुआ है, जिसकी लिंक आपको ऊपर आई बटन में नजर आ रही होगी। आप चाहे तो वहाँ जाकर भी उसे वॉच कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही, जल्द ही मिलेंगे किसी नए प्लेस पर नए वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नए हो हमारे चैनल पे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।